इन्होंने ईवीएम का दुरुपयोग किया है, तो इसलिए ईवीएम की वजह से काफी कुछ हमें नुकसान हो रहा है। लेकिन ईवीएम के चक्कर में आप लोग ऐसा मत करना कि वोट डालने नहीं जाएंगे, वोट जरूर डालना। जो ये धांधली करते हैं, कभी कभी इनका ये सिस्टम फेल भी हो सकता है, इसलिए आप लोगों को अपना वोट डालना बहुत जरूरी है। यहाँ की सत्ताधारी पार्टी वे अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में खासकर आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवा हवाई वे प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई भी नहीं आना है। जिले ये पार्टियाँ सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती है, जिस पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उठ गया है। बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर या केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है। पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रताप सिंह राठौर, कर्मेंद्र कुशवाहा जी का, जिन्होंने बदलाव की मसाल प्रस्तुत करने का समय पिछले चुनाव में आप सबने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के लिए जो ताकत दिखाई है एवं केंद्र में रही सरकार ने